नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल आपके साथ। मैं हूँ रीना। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो बॉस के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। ये ग्रह अशुभ हो जाते हैं जब तो ऑफिस में दिक्कत और बाधा का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही बॉस की डांट और नाराजगी का शिकार भी होना पड़ता है। अप्रैल का महीना चल रहा है। ऑफिस में काम करने वाले के लिए यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने आपके बीते वर्ष के कामों का आकलन होता है और इसके आधार पर प्रमोशन सैलरी में वृद्धि होती है। ये सब आपकी प्रतिभा कार्य क्षमता के साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके काम से बॉस किस हद तक प्रभावित है, क्योंकि बिना बॉस के प्रसन्न हुए मनचाही तरक्की पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बॉस को प्रसन्न करने के लिए इन ग्रहों को शुभ रखना बेहद जरूरी होता है, खास तौर पर इन तीन राशि वालों के लिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या, मकर और मीन राशि वालों को बॉस को प्रसन्न रखने के लिए सूर्य ग्रह को शुभ रखना बहुत जरूरी है। कन्या राशि वालों को अपने बॉस के प्रति शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि कन्या राशि वालों से बॉस नाराज हो गए तो व्यक्तिगत विवाद होने लगता है। मकर राशि वालों को बॉस को अति आदर देना चाहिए। मीन राशि वालों को बॉस से के ज्ञान का लाभ लेना चाहिए। मीन राशि वालों को बॉस के ज्ञान का लाभ लेना चाहिए और बॉस से गुरु की भांति कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को राजा, शासक, पिता माना गया है। ये उच्च पद भी का भी कारक है, इसलिए ऑफिस में काम करने वालों को सूर्य को मजबूत करने पर विशेष बल देना चाहिए। सूर्य जितना शुभ और मजबूत होगा आपकी बॉस से उतनी ही अच्छी बनेगी। कभी कभी राहु और केतु भी बॉस से आपके रिश्ते बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए इन पाप ग्रहों पर भी ध्यान देना जरूरी है। रविवार का दिन सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उत्तम माना गया है। रविवार को सूर्य को जल देना शुभ माना गया है। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप भी अच्छा फल प्रदान करता है। सूर्य को प्रसन्न रखने के लिए उच्च पद पर आसीन लोग और घर के बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को पाप ग्रह बताया गया है। जब ये अशुभ होते हैं तो ऑफिस में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करने से इन ग्रहों का दोष दूर होता है। गलत संगत और गलत चीजों का सेवन करने से इन ग्रहों की अशुभता बहुत जल्दी बढ़ती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।